श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा आगामी 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव को लेकर हुई चित्रांश भवन में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न, साथ ही रात्रि में छोटी बाजार में हुआ संगीत में सुंदरकांड का महापाठ। सुंदरकांड ग्रुप के प्रमुख एड शुभम कसार ने बताया है कि ग्रुप द्वारा पिछले 8 वर्षों से रामनवमी के पावन पर्व पर 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, परंतु विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते शासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो सका और सब कुछ ठीक रहा तो इस वर्ष दिनांक 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भव्य राम जन्मोत्सव का आयोजन एवं विशेष गाजे बाजे के साथ 11 फीट की प्रतिमा भ्रमण की जाएगी, जिसके तैयारियों पर चर्चा हुई एवं भगवान श्री राम की शाम में शोभा यात्रा का मार्ग तय किया गया एवं शोभा यात्रा में झांकियों को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही रात्रि में ग्रुप द्वारा प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार को विष्णु दुबे जी के प्रतिष्ठान छोटी बाजार में छिंदवाड़ा में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। ग्रुप की गुन्नू और मेघा उइके के सुमधुर भजनों से श्रोतागण झूम उठे। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, अनय कसार, प्रदीप भारती, किशन झारिया, जय चंद्रवंशी, संतोष वंशकार, अंश पटेल, दीपेश छोटू पटेल, मनोहर रघुवंशी, सुनू वंशकार, नरेंद्र डोले, विवेक सिकंदरपुरे, अभिषेक सिकंदरपुरे, ओम सिकंदरपुरे, चंचू प्रजापति, हर्षित रघुवंशी, अश्विनी भाई, गणेश विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। ग्रुप द्वारा बताया गया कि इस वर्ष का राम जन्मोत्सव ऐतिहासिक राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 10 अप्रैल के दिन विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी शाम 4 बजे से, जिसमें विशाल राम मंदिर, विशाल राम भगवान श्री राम की प्रतिमा, यह सब भ्रमण किया जाएगा एवं आकर्षक लाइटिंग। इसके लिए राम शोभा यात्रा के लिए रूट तय किए गए, सभी से अपील की गई, सभी ग्रामवासी अलग अलग ग्रामवासी उपस्थित रहे एवं सभी से निवेदन किया गया कि आगामी राम जन्मोत्सव में 10 अप्रैल शाम 4 बजे सभी उपस्थित होकर भव्य शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा।